तो आज GTA 6 के कुछ ऐसे मिथ के बारे में बात करेंगे जो पता नहीं कहां से आ गए लेकिन आ गए हैं। बंदे GTA 6 को सपनों में भी खेलने लगे हैं, पता नहीं कैसे लेकिन खेल रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे GTA 6 में, और इसके साथ साथ जो मिथ है कि GTA 6 स्पेस पे कनेक्ट है या नहीं है, लूसी और जेनस का बच्चा होगा या नहीं होगा, ऐसे ही बहुत सारे मिथ इस वीडियो में है। तो वीडियो को अपने कोमल भरे हाथों से स्किप मत करना और एंड तक देखना। तो राम राम देश की आबादी को, जितनी भी चीजें मैं वीडियो में बोलूंगा वो सारी रिसर्चेबल है, तो ये मत बोलना कि मैंने अपने खुद से ये चीजें बना दी है। तो हमारा पहला मिथ है कि GTA 6 के ट्रेलर से पहले ये मिथ आ चुका था कि GTA 6 स्पेस से कनेक्ट है या नहीं। तो नहीं, GTA 6 की आज तक की जितनी भी गेमें आई है वो तो पास्ट से कनेक्ट है या प्रेजेंट से, क्योंकि रॉकस्टार नहीं चाहता, क्योंकि रॉकस्टार अमेरिकन पैरोडी बनाना चाहता है। अगर फ्यूचर में रॉकस्टार गेम बेस्ड करेगा तो अमेरिकन पैरोडी बनेगी कैसे, इसलिए GTA 6 पे स्पेस नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी अनुमान मत लगाओ कि तुम रॉकेट से सीधा स्पेस पे पहुंच जाओगे गेम के माध्यम से। तो हमारा दूसरा मिथ ये है कि लूसी और जेनस का बच्चा GTA 6 में होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये निब्बा निब्बी है। तो नहीं, GTA 6 में कोई बच्चा नहीं होगा, क्योंकि इस गेम में क्राइम और वॉयलेंस इतना ज्यादा है कि ऑलरेडी चिल्ड्रंस को लेकर लो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए इनका कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हो सकता है शादी के बाद। तो तीसरी बातचीत है कि GTA 6 PC में आएगा या नहीं। तो नहीं नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, रॉकस्टार ने ये खुद कंफर्म करा है कि GTA 6 PS5 और Xbox की सीरीज X और X के लिए, लेकिन खुशखबरी 2025 पे GTA 6 PC में नहीं आएगी, लेकिन 2026 या 27 पे PC में आ जाएगी, क्योंकि रॉकस्टार की कोई सी भी गेम होती है वो सबसे पहले कंसोल में टेस्ट होती है, उसके बाद वो PC में आती है, क्योंकि कंसोल के लिए डेवलप करना बहुत आसान होता है, मतलब PC के कंपैरिजन में हैकरों के पसीने भी छूट सकते हैं उसको क्रैक करने के लिए। कंसोल में क्रैक करना गेम को आसान नहीं होता, और हैकर्स के हैक करने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए 1-1.5 साल में गेम आ जाएगा कंसोल के रिलीज के बाद। तो हमारा चौथा मामला है कि GTA 6 में क्रिप्टो करेंसी आ सकती है या नहीं। तो हाँ, क्रिप्टो करेंसी GTA 6 में आ सकती है। टॉम हेडिसन ने खुद ट्वीट करके ये बताया कि GTA 6 में कुछ मिशंस कैश पे ना देके क्रिप्टो करेंसी में दिए जाएंगे, मतलब बिटकॉइन में। इसका ये मत समझ लेना मतलब कि असली का बिटकॉइन मिल रहा है, बेटा बस गेम के लिए है वो। ये मेरा मानना है कि जैसे क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा महंगा है, तो गेम में भी मतलब थोड़ा प्रीमियम हो सकता है, मेरा मानना है ये बस। और कुछ महीने पहले Take-Two के CEO ने, मतलब जो ओन करती है GTA रॉकस्टार को, उनके CEO ने खुद कंफर्म करा है कि GTA 6 मतलब NFT फ्यूचर में लाना चाहते हैं वो गेम में। तो इससे तुम खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि क्या होने वाला है आगे। तो इस वीडियो के माध्यम से GTA 6 का लास्ट मिथ है कि GTA 6 पे टाइम ट्रैवल होगा या नहीं होगा। तो GTA 6 पे टाइम ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर रॉकस्टार को GTA 6 पे टाइम ट्रैवल लाना ही होता तो GTA 6 पे स्पेस भी कनेक्ट होता, क्योंकि टाइम ट्रैवल स्पेस के बिना कनेक्ट नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। तो इसलिए GTA 6 पे टाइम ट्रैवल का भी सपना खो दो तुम। तो GTA 6 पे टाइम ट्रैवल नहीं होगा, तो लास्ट में बोनस की टिप ले लो, GTA 6 2025 पे आने वाली है। अरे ये क्या बोनस है, ये तो बच्चे को भी पता है। मेरे पास यही बोनस बचा था, लेना लो नहीं लेना मत लो। तो आप जो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वो जो काला वाला बटन है उसको सफेद करो, ये सफेद वाले को काला करो, ये अपने बहुत सारे मिथ मार दो उस पर, मेरे को नहीं पता, बस हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो राम राम। जैसी